वॉइस ओवर एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी नेक्स्ट लेवल वीडियो बना सकते हैं, वो भी अपना फेस दिखाए बिना। फिर वो वीडियो चाहे आपकी यूट्यूब वीडियो हो, स्कूल कॉलेज की असाइनमेंट हो या फिर ऑफिस की प्रेजेंटेशन। तो आज हम वॉइस ओवर वीडियो बनाने के बारे में सीखेंगे, वो भी मोबाइल से। तो इसे हम मेनली चार स्टेप के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है स्क्रिप्टिंग। तो स्क्रिप्टिंग में गाइज आप चाहे तो बुलेट पॉइंट स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं या फिर वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी सजेशन मांगेंगे तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्टिंग करें, क्योंकि उससे वीडियो फुटेज ढूंढने में ज़्यादा ही आसानी हो जाएगी। तो गाइज स्क्रिप्ट को बिल्कुल सिंपल रखिएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा यूनिक लगे। अगर आपको स्क्रिप्टिंग के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिएगा, स्क्रिप्टिंग के लिए भी वीडियो आ जाएगी। तो गाइज मैं होप करता हूँ कि आपने स्क्रिप्टिंग कर ली होगी और आपने वीडियोस भी डाउनलोड कर ली होंगी जो भी पॉपुलर स्टॉक वीडियोस वेबसाइट्स हैं उनसे, लाइक पिक्सबे, पेक्सल्स। तो गाइज अब हम स्टेप टू की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप टू है हमारा रिकॉर्डिंग। तो इस स्टेप में हमें ध्यान देना है रिकॉर्डिंग पर, ताकि हम एडिटिंग में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो सबसे पहले ऐसे समय को चूज करिए जिसमें घर के अंदर और बाहर शोर सबसे कम हो, जैसे कि आधी रात से लेके सुबह सुबह तक का कोई भी समय। आप चाहे तो रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे सुबह कभी भी बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आपकी ऑडियो में बिल्कुल भी शोर ना आ रहा हो। अब अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन की, तो आपके फोन में जो डिफॉल्ट रिकॉर्डर है उसे बिल्कुल यूज नहीं करना है, क्योंकि डिफॉल्ट ऐप में आपको आपके माइक्रोफोन का फुल पोटेंशियल देखने को बिल्कुल नहीं मिलता है। उसकी जगह पे आप एक एप्लीकेशन यूज कर सकते हो जिसका नाम है रेकफोर्ज 2। तो गाइज इसकी मदद से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, काफी अच्छे तरीके से आपकी वॉइस जो है रिकॉर्ड हो जाएगी। आप चाहे तो डायरेक्टली मोबाइल से कर सकते हो या फिर किसी माइक के जरिए भी कर सकते हो। अगर आपके पास माइक नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, मोबाइल से भी बहुत अच्छी खासी रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये जो आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो ये भी मोबाइल से ही की गई है। तो स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टेप 3 है हमारा एडिटिंग का। ये देखिए, ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये प्रोसेस अच्छे से कर लिया तो फिर आपकी वीडियो को धूम मचाने से कोई नहीं रोक सकता। एडिटिंग के लिए मोबाइल में बेस्ट एप्लीकेशन लेक्सिस ऑडियो एडिटर को माना जाता है, तो हम भी उसी का यूज करेंगे। तो गाइज अब हम आ चुके हैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि लेक्सिस ऑडियो एडिटर का इंटरफेस कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है स्पेस, यहाँ पे 5 सेकंड मैंने बिल्कुल खाली स्पेस छोड़ा है जहाँ पे कुछ नहीं बोला है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है इफ़ेक्ट्स में, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे इफ़ेक्ट्स में जाके। फिर उसके बाद यहाँ नॉइज़ रिडक्शन सबसे पहले करना है हमें, तो नॉइज़ रिडक्शन पर क्लिक करिए, जो भी है उसे अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा, या फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ, तो अप्लाई हो रहा है। अप्लाई होने के बाद देखिएगा गाइज, देखिए कितनी ज़्यादा नॉइस कम हो चुकी है। अगर आपको अब भी लगता है, सुन के एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि अभी भी जो है नॉइज़ इसमें बाकी है, तो फिर इसको दोबारा से प्रोसेस को कर दीजिएगा, नॉइज़ रिडक्शन एंड अप्लाई। अब देखिए गाइज, नॉइज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। फिर उसके बाद हमें इफ़ेक्ट्स में जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, आपको जाना है कंप्रेसर में। जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे रखने। फिर उसके बाद अप्लाई कर देना है, थोड़ी सी आपकी ऑडियो कंप्रेस हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल फॉर्म में आ गई है। फिर उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है नॉर्मलाइज़ पर। ये देखिए बिल्कुल अब शेप में आ गई है, पहले देखिए कितनी डिफॉर्म्ड लग रही थी। फिर उसके बाद एक बार आपको इफ़ेक्ट्स में जाना है। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इक्वलाइजर और एम्पलीफायर। असली जादू गाइज इसी में होने वाला है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो है हल्का सा बेस में बढ़ा देना है, ये मिड को हल्का सा कम ही रखिएगा और ये ट्रेबल को भी बेस से हल्का सा कम ही रखिएगा। वो आपकी वॉइस पे डिपेंड करता है कि आपकी वॉइस किस हिसाब से है, तो एक बार इसे प्ले करके देख लीजिएगा। आप इसमें चाहे तो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं या फिर सेम कॉपी करके एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करते हैं। तो गाइज ये अप्लाई हो रहा है, अब देखिए ये अप्लाई हो गया है, काफ़ी भर के आ गई है ऑडियो। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, एक बार और नॉइज़ रिडक्शन करना है और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे काट लीजिए। तो गाइज आपको इधर पे जाना है, फिर उसके बाद यहाँ से जो ये वाला है
जैसे कोई कोई एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिख रहा होगा, तो ये पार्ट आपको अगर काटना है, इसे यहाँ पे इतना सेलेक्ट किया आपने और फिर उसके बाद यहाँ से गए और डिलीट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ फर्स्ट में भी अगर आपको करना है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक नॉइज़ है, इस नॉइज़ को अगर हमें काटना है तो यहाँ पे भी डिलीट कर दिया, ओके। तो यहाँ तक देख सकते हैं गाइज, हमारा काम जो है आधा कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद हमें सेव कर लेना है, सेव कर सकते हैं आप वेव में, MP3 में, किसी में भी सेव कर सकते हैं। तो वैसे वेव में करिएगा, ज़्यादा अच्छी फॉर्मेट में आती है ऑडियो, तो आप सेव कर लीजिए मैं इधर से। तो चलिए बढ़ते हैं गाइज हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप 4 हमारा है मिक्सिंग का। तो गाइज मिक्सिंग के लिए हम तो काइन मास्टर का यूज़ करेंगे, लेकिन आपको जो भी वीडियो एडिटर अच्छा लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप परफेक्ट हो। परफेक्ट देखिए कोई नहीं होता है, परफेक्ट बनना पड़ता है। मैं थोड़ा सा काइन मास्टर में थोड़ा ज़्यादा अच्छा हूँ, इस वजह से मैं काइन मास्टर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप वीटा, वीवा वीडियो, मतलब जो भी आप एडिटर यूज़ करते हो उससे आप एडिट कर सकते हैं। तो गाइज अब मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर में। काइन मास्टर को आपको ओपन करना है, आपको प्ले स्टोर की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे, सॉरी न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम डाल देंगे यूट्यूब वीडियो, ओके। एंड ये वाला रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। इसके बाद आपको जाना है इमेज एसेट में, यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन ले लेनी है, और यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन लेने के बाद आपको वो ऑडियो जो आपने रिकॉर्ड की थी, वो वाली ऑडियो आपको यहाँ पे प्लेस कर देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे एडिटेड ऑडियो में गया, यूट्यूब रिकॉर्डिंग, ये ठीक रहेगी। तो ये वाली ऑडियो मैंने प्लेस कर दी है। उसके बाद गाइज आपको क्या करना है कि आपको जो भी स्टॉक फुटेजेस है उन्हें यहाँ पे आपको ले आना है अपनी टाइमलाइन पे। तो गाइज अगर आपको नहीं पता है कि स्टॉक फुटेजेस कहाँ से डाउनलोड करनी है, तो आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप स्टॉक फुटेजेस जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए गाइज मैं जो हूँ यहाँ पे टाइमलाइन के हिसाब से स्टॉक फुटेजेस ले आया हूँ। अब क्या करना है आपको, आपको अपने वीडियो ऑडियो के हिसाब से यहाँ पे आपको जो है इसे मतलब ट्रिम कर देना है जितना आपको ज़रूरत हो। आपको सुन लेना है कि कौन से लेवल पे आप क्या बोल रहे हैं। इसमें आप टेक्स्ट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर मैं पूरी एडिटिंग वीडियो समझाने लगूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि आप लोग, तो इसीलिए मैं बेसिक समझा देता हूँ। फिर यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है एडिट होने के बाद, तो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट आपका बचता है उसे आपको डिलीट कर देना है, और इसे भी आपको डिलीट कर देना है। तो अब गाइज हमारी वीडियो जो है रेडी है। फिर यहाँ पे आप चाहे तो ट्रांजिशंस वगैरह लगा सकते हैं। उसके अलावा गाइज अगर हाँ, और गाइज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ट्रांजिशन लगा रहे हैं तो ये जो क्लिप्स हैं दोनों साइड की थोड़ी थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि ट्रांजिशन से थोड़ी सी क्लिप कम हो जाती है। तो अब हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है फुल HD में। बिट रेट को जितना था उतना ही रहने देना है, आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेव एज वीडियो पे आपको क्लिक कर देना है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।